तो दोस्तों ये है राजपाल यादव सर का घर, ठीक है जी, जो कि बॉलीवुड में अभिनेता है, ठीक है भाइयों। और ये ग्राम कुंडरा है, ठीक है भाइयों, जो कि सजानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाइयों, ठीक है जी। और राजपाल यादव सर आते हैं यहाँ पे, जैसे कोई त्यौहार वगैरह हो गया तो वो आते हैं, सभी से मिलके जाते हैं भाइयों, ठीक है जी। ये देखो भाइयों, सामने देख सकते हैं यादव भवन लिखा हुआ है, ये देखो भाइयों। और जस्ट इधर साइड में दिखा दूँ मैं भाइयों, पिताजी लेटे हुए हैं उनके, ठीक है जी। तो दोस्तों ये है राजपाल यादव जी का घर, ठीक है भाइयों। और आज हम आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से उनका घर, ठीक है, कैसा है, और उनके पिताजी से भी मिलवाएंगे, ठीक है भाइयों। वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, ये देखो भाइयों। हम पहुँचे हैं अपने भैया के घर पर, यादव है जी, ठीक है जी। ये देख लो भाइयों, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, कृष्णा वंदे जग गुरु। और यहाँ पे देख सकते हैं भाइयों, ये गुरु जी की फ़ोटो है जी, यहाँ पे हमारे भगवान श्री कृष्णा, ठीक है। और जस्ट इधर साइड से मैं दिखा दूँ, ये देखो भाइयों, बहुत ही सुंदर है जी, ये देखो भाइयों। इधर साइड में अभी काम ही चल रहा है भाइयों, ठीक है जी। ये देख लो भाई, उधर साइड में है यादव भवन, ठीक है जी। ये देखो भाई, ये सामने है यादव भवन जी। तो दोस्तों आपको अंदर से दिखाते हैं, ये देखो भाइयों, ये है हमारे राजपाल यादव सर का घर, ठीक है जी, जो कि ग्राम कुंडरा में इन्होंने बनवाया हुआ है, ठीक है भाइयों। वो अक्सर आते हैं, जैसे कि कोई त्यौहार वगैरह होता है, ठीक है जी, वो अपनी फैमिली के बीच में आते हैं और मिलके जाते हैं सभी से। तो दोस्तों देख सकते हैं यादव भवन लिखा हुआ है सामने, ठीक है। ये देखो भाइयों, बहुत ही सुंदर मकान है, और वाइट कलर का कलर करवाया हुआ है राजपाल यादव सर जी ने। इधर साइड में उनकी फैमिली रहती है, ठीक है जी। और ये देखो भाई, इधर साइड में ये नया बनवाया है राजपाल यादव जी ने, ये देखो भाइयों। तो दोस्तों हमने आपको अंदर से दिखाया, ठीक है। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों जस्ट इधर साइड से मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट इधर साइड में उनके पिताजी लेटे हुए हैं यहाँ सामने, ये देखो भाइयों। ये पीपल का पेड़ है और वहाँ पे पिताजी बैठे हुए हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, घर के अंदर मंदिर है जी, बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया जा रहा है भगवान भोलेनाथ का, ठीक है। ये देख सकते हैं, इधर मंदिर काम चल रहा है जी, इधर मंदिर में, ठीक है। ये देख लो भाइयों, ये मंदिर है जी, और ये भगवान जी का मंदिर है, शिव जी का, ठीक है। और उधर साइड में इनका ये घेरा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आपको कवरेज करा दूँ, ठीक है। ये देखो भाइयों, तो दोस्तों काफ़ी जगह में ये इनका मकान है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया बहुत ही अच्छे तरीके से, आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से शिक्षा देना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये मंदिर है जी, ठीक है। तो दोस्तों अभी काम चल रहा है इधर साइड में, ठीक है जी। दोस्तों ये देखो भाई, सामने हमारे भैया का मकान है जी, ठीक है। ये देखो भाई, ये मंदिर है जी, और अभी ये तैयार हो रहा है भाइयों। तो जस्ट साइड में, उधर साइड में वहाँ पे हमारे भैया का घर है, ठीक है। इधर साइड में ये मकान है, मैंने आपको दिखाया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उधर साइड में मकान है जी। तो दोस्तों चलते हैं जी अब। तो दोस्तों उधर साइड से रास्ता सीधा जा रहा है जी बांदा गांव में, बांदा कस्बे में, ठीक है जी। इधर से रास्ता जा रहा है सीधा, और इधर साइड में खेत खलिहान बहुत ही है जी। और भाइयों सूरज मेरे सर के ऊपर है, देख सकते हैं आप सभी, ठीक है जी। ये देख लो भाइयों, पेड़ पौधे लगा रखे बहुत सुंदर तरीके से। उधर साइड में हमारे राजपाल यादव सर का घर है, ठीक है जी। और यहाँ से गेट हमने दिखाया आपको, इधर साइड में ये मंदिर है जी, ठीक है जी। घर के अंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है जी। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया भैया का, और ये पीपल का पेड़ है जी, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये पीपल का पेड़ बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रखा है घर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमने एंट्री करी थी, ठीक है, जस्ट उधर साइड में घेर है जी, ठीक है भाइयों। ये सामने घेर है जी इनका, जैसे कि गांव में घर अलग होता है, घेर अलग होता है, जहाँ पे हमारे ट्रैक्टर वगैरह खड़े होते हैं जी, ठीक है। ये हमारे भैया का घेर है जी, और ये कुछ इनसे बातचीत करेंगे। तो राजपाल यादव आते हैं जी, तो वो तो मतलब त्यौहार पे आते होंगे ना, त्यौहार पे आते हैं, बीच में भी आ जाते हैं। अच्छा, तो गांव जैसे आते होंगे, गांव में भीड़ लग जाती होगी तुम्हें, भीड़ लग जाती है गांव के अंदर, इतना होते हुए गांव में सबसे मिलते हैं, सबसे मिल के जाते हैं, गांव में मिलते हैं, घूमते हैं गांव में। अच्छा, गांव के अंदर घूमने टाइम मिलता है तो गांव में पूरा चक्कर हर बार लगाते हैं। अच्छा अच्छा, टाइम नहीं है तो तब तो जैसे जल्दी है तो पता ही नहीं चलता। हाँ जी, चले जाते हैं। अच्छा, बस वजह ऐसे मतलब घर में कोई फंक्शन वगैरह हुआ, बस आ गया है ना, अरे यार होली वगैरह या दीपावली वगैरह बात है,
दर्शन में भी आते हैं, दीपावली त्योहार में तो। अच्छा अच्छा, कहीं भी हो त्योहार दोनों जरूर आते हैं। कोई अच्छा अच्छा होली तो बता रहे कि भैया मतलब सभी ने बताया कि छोटे से नटखट से ही मतलब बचपन पने से ही नटखटते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे सामने उनकी जो गाड़ी कलेक्शन है वो आपको दिखाऊंगा। ये भैया के पास चार चार ट्रैक्टर है जी, और इधर से हम आपको दिखा देंगे घेर है उनका, और इधर साइड में उनका घर बना हुआ है। ठीक है भाई, उधर साइड में मैंने आपको दिखाया ये भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है ना भैया। अभी कम्प्लीट नहीं है ना भैया, हो गया कम्प्लीट, बरामदा वगैरह बनेगा यहाँ पे, फिर तो यहाँ पे भंडारा वगैरह करवाओगे ना जब ये तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये कम्प्लीट हो जाएगा जी, और एक बार फिर आएंगे हम। ठीक है जी, आज हम आए थे और आपको इधर साइड से दिखाएंगे जी। ये देखो भाई, तो मतलब जैसा आगे तो मतलब एक दो दिन रुकते होंगे मुश्किल से मुश्किल बस। जैसा काम होता वैसा। अच्छा अच्छा, तो पिताजी वगैरह तो मुंबई गए थे उनके साथ में ना, इनके पिताजी कई बार जा चुके हैं। अच्छा अच्छा, परिवार जा चुका है। अच्छा, आप भी गए थे अंकल जी? भाई हम यज्ञ में गए थे एक बार। अच्छा, जब यज्ञ वगैरह हुआ था ना। अच्छा, वहाँ पे भी ऐसी बना रखा सेम यहाँ से तो बढ़िया ही है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ तो मतलब सारा सिस्टम होगा, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी होगा घर के अंदर है ना, बदला ही हुआ है भाई। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों भैया मुंबई में रहते हैं और हमारे यादव समाज की जान है, और यादव समाज की जान बस्ती है भाइयों, और हमारे यादव समाज का नाम रोशन किया भैया ने। और भाई हम तो शीश देना चाहते हैं जो हमारी बहन बेटे या कोई भाई भी लग रहा है लाइन में, जिला का नाम रोशन हुआ है भाई। अच्छा अच्छा, सभी जानते हैं जिले के अंदर, जिले में सभी जानते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब सबसे मतलब सब वहाँ पे देखते हैं भैया सम्मानित व्यक्ति हैं। अच्छा अच्छा, जिला कौन सा लगता है वैसे आपके? शाहजहानपुर जिला लगता है आपका? अच्छा, देखो भाई शाहजहानपुर जिला लगता है इस गांव का। ठीक है जी, और जिले का नाम रोशन किया अपने गांव का, अपने माँ बाप का। ठीक है जी, सबसे बड़ी बात भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी जो बहन बेटी है कोई भाई भी अगर कर रहा तो भाई मेहनत करो, चाहे वो खेती हो चाहे वो कुछ भी हो चाहे जॉब हो, अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहोगे तो उसमें आपको तरक्की जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आज हम पहुंचे थे भाइयों राजपाल यादव भैया के घर पे, हमने आपको अच्छे तरीके से दिखाया। ठीक है भाई, और गांव के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा। देखो भाई यहाँ इनके खेत हुआ करते थे कभी पहले, और अपना खेतों के अंदर बनाया। ठीक है, इससे पहले गांव के अंदर होगा जी मकान है? हाँ, मकान अंदर। अच्छा, वो आज भी है मकान? हाँ जी, आज चला ही आया है वहाँ से, गाँव पुराने गाँव से खेतों तक चले गया। अच्छा अच्छा, वो हवेली टाइप में होगा वो तो। अच्छा, तो दोस्तों एक मकान इनका गाँव के अंदर भी है। ठीक है, तो भाई बहुत ही अच्छा लगा, उनके जो पिताजी है उनके बड़े भाई है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते अंकल जी, ठीक हो अंकल जी? देखो भाई ये उनके बड़े भाई हैं। ठीक है जी, और ये हमारे बब्बा जी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कोई आता है तो अंकल जी सभी से मिलते हैं अब। ठीक है, और आज हम पहुंचे थे, हमने आपको दिखाया बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों उनके पिताजी हैं और वो अक्सर आते हैं दिवाली वगैरह होली वगैरह पे आते हैं भैया, अभी आए थे फिलहाल, तो अभी मिल के गए थे। ठीक है, यादव परिवार है जी। ठीक है, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, और ठीक हो बब्बा जी? तो बब्बा जी किसान ही हो? अच्छा, तो खेती बाड़ी करते हैं जी। अच्छा, तो ये बताइए हमारे भैया हैं वो तीज त्योहार पे आते होंगे ना, जैसे अपना शादी वगैरह हुई घर में या किसी की फंक्शन वगैरह है ना। अच्छा, तो दो दिन या तीन दिन रुकते होंगे मुश्किल से? अच्छा अच्छा, आपको कैसा लगता है जी, मतलब हमारे भैया ने नाम कमाए? अच्छा अच्छा, तो शुरू से शौक था उनको मतलब फिल्मी लाइन में, मतलब? अच्छा अच्छा, नटखट शुरू से थे मतलब? हाँ। जैसे मतलब पिक्चरों में देखा मतलब हंसा मजाक करा है पूरी। हाँ। शुरू से ऐसी है मतलब, है ना? अच्छा अच्छा, तो दोस्तों शुरू से ही ऐसी है भैया, और मतलब शरार दिया यार। मतलब भैया ना शुरू में कौन सी पिक्चर करी हो भैया, थोड़ा ध्यान हो आपके? यहाँ से वे मुंबई कब गए थे भैया, लगभग कौन से सन में? 1997 में चले गए थे यहाँ से, तो फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल किया वहाँ पे, मेहनत करी। अच्छा, देखो भाइयों स्ट्रगल किया और यादव समाज का नाम रोशन किया, सबसे बड़ी बात भाइयों, और हमें गर्व महसूस होता है भाइयों, उन्होंने छोटे से गाँव से लेकर सफर किया और वो आते हैं जी। और मुंबई में मकान होगा उनका? अच्छा अच्छा, बब्बा जी गए उनसे वहाँ पे मिलने? वो आए। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों उनके पिताजी हैं, तो बब्बा जी हर की बात करें कितने भाई होंगे जी वैसे? छह भाई हैं। अच्छा, छह भाई है अब फिलहाल, और भी है उनके भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोस्तों यहीं पे भैया जैसे कोई आ जाता होगा बाहर से तो यहीं पे मिलते हैं ना सबसे ना। अच्छा, यहीं पे बाहर पे मिलते हैं सभी से, और वो आते हैं जी, जैसे नहीं कि मतलब अपना परिवार से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कभी कोई शादी होगी या होली होगी तो आते रहते हैं, और अपना भैया कितने दिन रुक के जाते होंगे? लगभग 2-3 दिन जैसा समय होता है। अच्छा, 2-3 दिन रुक के चले जाते हैं। अपना जैसे ट्रैक्टर देख रहा हूँ, ये ट्रैक्टर अपना खेतों में चलाते भी होंगे भैया? खेती बाड़ी होती है। अच्छा अच्छा,
तो भैया आप किसान भी हो साथ साथ, है ना? किसान भी। तो दोस्तों हमारा किसान का भी चैनल है, और दोस्तों ये देख सकते हैं अपना खेती बाड़ी करते हैं गांव के अंदर रह के। तो भाई समाज का नाम रोशन किया भैया ने। तो भाइयों मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरी बहन बेटियाँ है तो जो इस लाइन में लगी हुई है वो भी कर सकते हैं ना जी, भैयों को देख के अपने माँ बाप का अपने गांव का नाम रोशन करें। और भाइयों जब ये भैया कर सके एक छोटे से गांव से, आप भी कर सकते हो जी। अगर आप कोई भी चीज़ हो अंकल जी, खेती हो, नौकरी हो, कोई सा भी फील्ड हो, अगर आप मेहनत करोगे तो पाओगे जरूर। बड़े बुड्ढों की कहावत है जी, ठीक है जी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, ठीक है, ये कहावत है जी बड़े बुजुर्गों की। और हमें आज बहुत ही अच्छा लगा, और आशीर्वाद भी लेकर जाएंगे अंकल जी का, ठीक है भाइयों। तो भाइयों बहुत ही अच्छा लगा। तो इधर साइड में देख सकते हैं ये मंदिर है, अंकल जी घर के हैं सामने। अच्छा अच्छा ये देखो भाइयों, ये मंदिर है जी घर के जस्ट साइड में, ये देख लो भाइयों। तो भाइयों बहुत ही अच्छा लगता है हमें, और बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है कि जो हमारे भाई है, और वो मिलते हैं सभी से, ठीक है, वो आते हैं अक्सर यहाँ पे, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है और रुक के भी जाते हैं, ठीक है जी। और आज हम आए थे भाइयों कुंद्रा गांव में। तो कुंद्रा की वोटिंग कितनी होगी अंकल जी लगभग यहाँ की? 700 वोट है बस, छोटा सा गाँव है ना ये, जो गांव है यादव का गांव है ना शायद, तो अच्छा कुछ बाहर के आके बसे होंगे कुछ, तो टोटल गांव में से यादव का है। तो भाइयों टोटल गांव जो है यादव का है, और ये गांव से बाहर कभी तो भैया जो मकान था वो गांव के बीच में होगा आपका? अच्छा ये आपने अपने खेतों में बनाया ना, या तो भैया बता रहे हैं कि इनके खेत वगैरह हुआ करते थे और इन्होंने अपने खेतों में बनाया, ठीक है। अच्छा अच्छा तो बब्बा जी भी अपने जमाने में किसान रहे हैं ना? हाँ, ये भी किसान है। अच्छा अच्छा मैं बब्बा जी के लिए कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, के ना दौलत चाहिए ना शोहरत चाहिए, के ना दौलत चाहिए ना शोहरत चाहिए, ऊंचाइयों को यूज होता हूँ सर में बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे राजपाल यादव जी से लगाए, उनके पिताजी हैं, ठीक है। हाँ भाई आशीर्वाद तो बड़े बुजुर्गों से मिलता है, आशीर्वाद आशीर्वाद ही मिलता है। बब्बा जी आशीर्वाद दे दो मेरे, थोड़ा दोस्तों देख सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। और बब्बा जी ने हमें बहुत अच्छा लगा मिल गया। तो बब्बा जी आइयो कभी हस्तनापुर, आइयो कभी हस्तनापुर, ठीक है। ये हमारे राजपाल यादव जी के पिताजी हैं, ठीक है भाइयों। और हमने इनसे मिला, बहुत अच्छा लगा भाइयों आपको। और यहाँ पे जैसे कोई मेहमान वगैरह आता हो इसीलिए चेयर बिछा रखी जी, ठीक है बब्बा जी, राम राम, ठीक है दोस्तों। तो किसान भाइयों वीडियो शेयर करना, राम राम भाइयों, नमस्कार।